हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नार्जो 70 प्रो के बारे में। इसका मेन हाईलाइट चीज़ है इसका कैमरा। इसके अंदर जो कैमरा दिया गया है 15 से 17 हज़ार के अंदर ये फ़ोन मिल जाएगा, तो इसी रेंज के अंदर जितने भी कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है उसको बीट कर सकता है। इसके कैमरा के अंदर वॉयस भी दिया गया है, इतना अच्छा काम करता है ये 30-40 हज़ार की जो फ़ोन आता है उससे भी बेटर काम करता है इसका वॉइस। इसका वॉइस चेक करने के लिए साइड पर V30 का जो वीडियो सैंपल है वो लगा दूंगी, आप देख सकते हो साइड बाय साइड कितना कैमरा के अंदर फ़र्क है। और कैमरा के अंदर जो क्वालिटी मिलता है वो बहुत ही अच्छा है, फ़ोटो वीडियो सब कुछ अच्छा है। और एक ओवरऑल पैकेज के साथ आता है फ़ोन, आप देख लो वीडियो सैंपल। देख सकते हो काफ़ी का वीडियो कितना सेट है। यहाँ पर नार्जो 70 प्रो का जो वीडियो है वो बहुत ही स्टेबल, और इसके अंदर जो कलर भी मिलता है बहुत ही अच्छा, देख सकते हो। थोड़ा सा 19-20 का और आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एक हम सिर्फ कैमरा के लिए आप लेना चाहते हो तो नार्जो 70 प्रो आपके लिए बेस्ट होगा। इसी प्राइस रेंज के अंदर और कोई भी फ़ोन के अंदर इतना स्टेबलाइजेशन और वॉयस नहीं मिलता है, और कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है। नार्जो 70 प्रो ये आपको जो सेल चल रहा है अभी, इसी सेल के दौरान आपको इजीली 15 से 17 हज़ार के अंदर मिल जाएगा। इसका जो कैमरा है जिसका बजट थोड़ा सा कम है वो इस फ़ोन को ले सकते हो कैमरा के लिए। ये फ़ोन अभी जिस प्राइस रेंज पर मिल रहा है ये फ़ोन अभी कैमरा सेंट्रिक फ़ोन बन गया है, और इसके अंदर कुछ कमियां भी है और प्रॉब्लम भी है, वो आपको आगे एक अलग वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रास्ता कितना ख़राब है, फिर भी कैमरा कितना स्टेबल है देख सकते हो आप। आपको लाइव प्रूफ देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आप देख सकते हो। कहीं पर भी इसको मेंशन नहीं किया गया है, इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन कहीं पर भी नहीं बोला है जो नार्जो 70 प्रो के अंदर इतना अच्छा स्टेबलाइजेशन मिलता है। आगे और भी वीडियो सैंपल देखने को मिल जाएगा, इसका कैमरा कैसा है वो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। आगे रात का भी वीडियो मिल जाएगा, आप जब पैदल चलते हैं उसका भी वीडियो देखिए।